तो बाइनोमियल में जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है अपना, दैट इज डबल सिग्मा प्रॉब्लम्स, है ना। इससे बच्चों को बहुत फोबिया रहता है, मतलब ये मान लो बस इसकी शक्ल देखते ही डर लगने लग जाता है कि यार क्या करें इसमें, है ना। वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बट फिर भी जैसे आईआईटीज में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो उस हिसाब से एडवांस के लिए हमें तैयार करना पड़ जाता है इसको ना। मेंस वेन्स में तो बिल्कुल चांसेस नहीं है इसके आने के। चलो अपन देख लेते हैं, दो चार एग्जांपल से हम लोग कहानी समझ में आ जाएगी। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, ठीक है। हेडिंग डालें डबल सिग्मा प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी तक आप एक टाइप ऑफ डबल सिग्मा देख चुके हो, वन टाइप ऑफ, है ना। मैंने ट्रिपल सिग्मा भी कराया था बल्कि ये क्वेश्चन सीक्वेंस के अंदर, है ना, जस्ट एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अलग चीज है और जो पहले पढ़ा था वो एक अलग चीज थी। पहले हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, सपोज डबल सिग्मा अंदर वन, आई बराबर एक से लेके जे तक और जे बराबर एक से लेके एन तक, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले देखा था सीक्वेंस में। तो उस टाइम में मैंने क्या कहा था आपको कि पहले अंदर वाला सिग्मा सॉल्व कर लो, बिकॉज इसके अंदर वेरिएबल तो है ही नहीं, कोई वन है, तो इसका मतलब क्या है कि आई एक से लेके जे तक जा रहा है, मतलब वन 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 कितनी बार जुड़ेगा, जे बार जुड़ेगा। यस सर तो इस अंदर वाले का समेशन आ गया यही हो था जाएगा। जे, आ गया था जे, तो मैंने कहा चलो इस वाले यस सर सिग्मा को सॉल्व कर लिया तो इसका आंसर आ गया जे, नाउ बाहर वाला सिग्मा काम करेगा। अब उसके लिए जे एक से लेके एन तक है, नाउ जे विल बी फ्रॉम वन टू एन, तो इसका जो आंसर था वो था एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये चीज हम देख चुके हैं प्रोग्रेशन के अंदर, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था आपको, यस सर है ना। ठीक, तो इसमें क्या था, इस सिग्मा में, डबल सिग्मा में एक वेरिएबल एक से लेके कहीं तक जा रहा है तो दूसरा वहां से लेके फिर शुरू होता था कहानी, है ना। अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं उसका थोड़ा ऐसा नहीं होगा, है ना। उसका थोड़ा कैसा होगा, उसका ऐसा होगा जैसे डबल सिग्मा लिख दिया और अंदर वन लिख दिया और लिख दिया जे भी जीरो से एन है और आई भी जीरो से एन है, ऐसे लिख दिया उसे। या इसी को लिखने का एक और तरीका, वो ऐसे लिख सकता है और आई बीच में कोमा लगा देगा, जे दोनों जीरो से लेके एन तक जा रहे हैं और अंदर है वन। बात समझ में आ गई, जो पहले आपने करा था वो एक अलग बात थी, है ना, वो थोड़ा सिंपल था, ये अलग चीज है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डबल सिग्मा, कि एक वेरिएबल है वो भी जीरो से एन तक इंडिपेंडेंट है, दूसरा वेरिएबल है वो भी जीरो से एन तक इंडिपेंडेंट है, आपस में कोई कंस्ट्रेंट नहीं आई और जे में। जैसे मतलब यहां पे भी वो यही कहना चाह रहा है कि दोनों आई और जे जीरो से लेके एन तक की दौड़ लगाएंगे, बस। बात समझ आ रही है। तो यस सर अगर मैं आपसे पूछूं, ढंग से समझो पहले इस चीज को, कि क्या क्या कितने एलिमेंट्स आएंगे, क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। जैसे मान लो अगर मैं ये आई की बात रखते हैं ना, ये मान लो आई की जगह क्या रख दिया आपने, जीरो रख दिया, आई की जगह क्या रख दिया, जीरो रख दिया। तो मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं, पोजीशन की, कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है जब आई जीरो रखा जाएगा तो जे क्या हो सकता है, जे जीरो हो सकता है, जे वन हो सकता है, जे टू हो सकता है, जे थ्री हो सकता है और एट लास्ट में जाके जे एन हो सकता है, यस सर बोलो। यस सर अरे अगर आई और जे जीरो से लेके एन तक है, आई जीरो है तो जे जीरो, जे वन, जे टू, जे थ्री, जे एन हो सकता है। यस सर ये आई है, ये जे है। अब आई की वैल्यू मान लो वन रख दो तो भी जे की वैल्यू जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, एन हो सकती है। यस सर हाँ जी,
समझ में आया? मैं तुम्हें दोबारा चार्ट बना के दिखाता हूँ, तुम थोड़ा सा yes, sir, आ गया। ऐसे शायद तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो, तुम ऐसे देखो, ये आई चल रहा है इधर है ना, आई की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरह से एन चल रही है, और मान लो इधर चल रहा है जे, जे की जगह 0, 1, 2, 3 से लेके एन तक जाएगी, ठीक। तो अगर मैं चार्ट बनाना चाहूं तो क्या इस एलिमेंट के लिए आई की जगह 0, जे की जगह 0 रखा जाएगा, इसके लिए आई की जगह 0, जे की जगह 1 रखा जाएगा, इसके आई की जगह 0, जे की जगह 2 रखा जाएगा, आई की जगह 0, जे की जगह 3 रखा जाएगा, आई की जगह 0, जे की जगह एन रखा जाएगा? यस सर, ठीक। इसमें आई की जगह 1, जे की जगह 0, आई की जगह 1, जे की जगह 1, आई की जगह 1, जे की जगह 2, आई की जगह 1, जे की जगह 3 से लेके आई की जगह 1, जे की जगह एन, ऐसे ही चलते चलते जब आई की जगह एन, जे की जगह 0, आई की जगह एन, जे की जगह 1, आई की जगह एन, जे की जगह 2, इस तरह चलते चलते एन कोमा एन, इतने सारे एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। बोलो Yes, sir. तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? सिंपल सी बात है, मान लो मैंने कहा आई भी 0 से 3 तक जा रहा है, जे भी 0 से लेके 2 तक जा रहा है, तो यार आई जब 0 होगा तो जे 0 होगा, आई 0 होगा तो जे 1 होगा, आई 0 होगा तो जे 2 होगा, जे आई 1 होगा तो जे 0 होगा, आई 1 होगा तो जे 1 होगा, आई 1 होगा तो जे 2 होगा, आई 2 होगा तो जे 0 होगा, आई 2 होगा तो जे 1 होगा, आई 2 होगा तो 2, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? तो क्या ये 9 सेट नहीं हुए? यस सर। ऐसे ही ये कितने एलिमेंट है इस रो के अंदर? एन प्लस वन है। यस सर। ये भी एन प्लस वन है, 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 तो एन प्लस वन, एन प्लस वन, एन प्लस वन, एन प्लस वन कितनी बार? एन प्लस वन बार, तो एन प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। यस सर। और अगर वन से एन होता तो एन स्क्वायर हो जाता, इट मीन्स यहां पे भी जो एलिमेंट आएगा वो तो वन ही आएगा, एलिमेंट तो सब जगह वन ही आ रहा है ना, वन 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 वन, कितनी बार जुड़ेगा? एन प्लस वन स्क्वायर टाइम्स। ये कितनी बार आ रहा है? एन प्लस वन स्क्वायर टाइम्स। तो आंसर क्या आ गया? एन प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया। बोलो। यस यस ठीक है। अभी मैं अभी मैं बाइनोमियल को कोफिशिएंट मैंने लिए नहीं, मैं तो सिंपल के तरीके से समझाना चाह रहा हूं कि इस सिग्मा में और इस सिग्मा में फर्क क्या है, ठीक है। अब इसको तो भूल जाओगे, तो हमने देख लिया पहले, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को तो हम करना आता है। अब मैंने आपको यह बताया अभी तो कि कल को कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा कि जब डबल सिग्मा है और नीचे जे भी 0 से एन, आई भी 0 से एन, मतलब जे और आई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, जे भी 0 से एन तक जा रहा है, आई भी 0 से एन तक जा रहा है, मतलब दोनों 0 से लेके एन तक की दौड़ लगा रहे हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आई 0 कोमा लगा के 0 से लेके एन तक दोनों वैल्यू हो सकती है। तो जब आई 0 है तो जे 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, आई 1 है तो जे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एन भी हो सकता है। तो एक तरह से इतने एन प्लस 1 के होल स्क्वायर एलिमेंट्स खुलेंगे। अब अगर मान लो यहां अगर मैं अंदर रख देता आई प्लस जे, तो एलिमेंट होते 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, तो एक अलग रायता फैलता। लेकिन अभी के लिए तो ये 1 है, तो सारे एलिमेंट 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गए, तो आपको ये समझ में आ रहा है आंसर n प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। हां जी यस सर। ये था टाइप 1 है ना? यस सर। अगर ऐसा है, अब देखना मैं आपको सिग्मा कैसे दिखा रहा हूं, थोड़ा सा घुमाऊंगा मैं इसमें, कंस्ट्रेंट लाऊंगा मैं। अब मैं कहूंगा कि आई 0 से लेके जे तक, जे से छोटा ही होगा, और जे एन तक, समझ में आ रहा कि आई और जे में अब क्या मैंने कंस्ट्रेंट डाल दिया कि आई जे से हमेशा छोटा ही होगा, अंदर वन।
तो क्या अगर मैं इस टेबल से समझाने की कोशिश करूं तो आपको यह समझ में आ रहा है कि ये जीरो जीरो वाला, ये वन वन वाला, ये टू टू वाला, ये थ्री थ्री वाला और ये एन एन वाला, ये जो डायगनल है इस पे तो आई बराबर जे है। यस सर। इसके ऊपर आई जे से छोटा है, नीचे आई जे से बड़ा है, तो इसका मतलब अगर मैं कंस्ट्रेंट लगाऊंगा तो क्या क्या खुलेगा। सपोज आई को जीरो रख दिया, आई को मिनिमम जीरो रख सकता हूं, तो जे की वैल्यू उससे बड़ी शुरू होगी, मतलब जे जीरो नहीं हो सकता, मतलब जीरो कोमा वन अलाउड है, जीरो कोमा टू अलाउड है, जीरो कोमा थ्री अलाउड है, जीरो कोमा एन अलाउड है। फिर मैं बोलूंगा आई की वैल्यू वन रख दी, तो जे दो से शुरू होगा, तो वन कोमा दो अलाउड है, वन कोमा थ्री अलाउड है, इस तरह से चलते चलते जब लास्ट में इसकी वैल्यू एन माइनस वन रखेंगे तो इसकी एन अलाउड है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो ये क्या बोलता है ना, इसको तो हटाई दिया, ये जो यहां से लेके यहां तक, क्या ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ? यस सर। यस सर। अब एक बात बताओ, टोटल एलिमेंट है एन प्लस वन का स्क्वायर, उसमें से ये डायगनल वाले कितने होंगे एन प्लस वन? यस सर। यस सर। अब उसके बाद क्या आप इस क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हो कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो ऐसा होता है? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन, आपको एक बेसिक फंडा पकड़ के चलना है, क्या कि हमेशा ऐसे सोचो कि सिग्मा अगर कंस्ट्रेंट ना होता, अगर कंस्ट्रेंट ना होता तो इस चीज को कैसे कैसे लिख सकते हो? इस चीज को आप दो पार्ट में लिख सकते हो, तीन पार्ट में, कि जब आई जे से छोटा हो प्लस जब आई जे के बराबर हो प्लस जब आई जे से बड़ा हो। क्या ये तीन ही पॉसिबल केसेस हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे? ये वाले आई जे से बड़े वाले, नीचे वाले आई जे से बड़े वाले, ऊपर वाले आई जे से छोटे वाले, बीच वाले आई जे के बराबर वाले? यस सर। क्या अब आपको इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये समझ में आ रहा है कि ये ऊपर वाला सम और नीचे वाला सम तो बराबर है भाई? ये भी वन 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 आएंगे, एन प्लस वन का स्क्वायर टोटल नंबर है, उसमें से एन प्लस वन हटा दो, उसका आधा करोगे तो जितने ऊपर है उतने नीचे। यस सर। यस सर। तो अगर मैं ये जो पूछा है इसको मैं एक्स बोल दूं, तो ये चीज अगर एक्स है तो ये चीज भी एक्स है, ये समझ में आ रही है? यस सर। बस तो अपना आंसर क्या हो गया, टू एक्स बराबर, ये पूरा आंसर तो हमने निकाला अभी के अभी, एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ये वाला जब आई और जे बराबर है, सिग्मा आई और जे बराबर है, तो ये कितने लोग हैं ऐसे, एन प्लस वन, वन 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 एन प्लस वन है उसका सॉल्यूशन, तो ये आ गया एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन प्लस वन बाय टू, ये आपका आंसर आ गया टू इसका, जब आई जे से छोटा है। बोलो। यस सर। तो कभी भी आप ये समझे, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक फंडा ये भी है कि आप इसको ऐसे सोचें कि इसके तीन पार्ट होंगे, और अगर ये दोनों बराबर आ गए फिर तो अच्छी बात है, बस ये निकाल लो उसमें से, घटा दो, हाफ कर दो, कभी कभी ये भी चेंज हो सकते हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये ऊपर का मिटा दूं? मिटा दो सर। अब देखो मैं टाइप थ्री बताता हूं ना, मतलब प्रॉब्लम थ्री है, टाइप तो क्या वैसे ही, मतलब मान लो थर्ड प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, उसके अंदर मैं ये कर दूं सिग्मा सिग्मा वन, आई जीरो से शुरू हो रहा है, जे एन तक जा रहा है, बट आई और जे बराबर भी हो सकते हैं, तो आपको फर्क दिख रहा है इसमें और उसमें? इसका मतलब इसमें ये ऊपर वाले भी अलाउड है और बीच वाले भी अलाउड है। यस सर। एन प्लस वन ऐड कर दो। तो क्या आप ये कह सकते हो कि जो पिछले क्वेश्चन का आंसर आया है टाइप टू का आंसर में, वो आई बराबर जे वाला पार्ट ऐड कर दो? बोलो। यस सर। बस तो इसका आंसर तो अभी हमने निकाला, वो पड़ा
एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन प्लस वन बाय टू, और इसका आंसर क्या आएगा एन प्लस वन, तो फाइनली आंसर आ जाएगा एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस एन प्लस वन बाय टू। सही है, यस सर। बस इस तरह से चीजों को डील करना है। नीचे सिग्मा ये अलग अलग खेल खेल सकता है आपके साथ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा शुरुआत में डर लगता है, लेकिन अगर आप इस लॉजिक को समझ गए तो शायद दिक्कत कम हो जाएगी। अभी बाइनोमियल वाले क्वेश्चन तो करेंगे, है ना। ये तो सिंपल सिग्मा समझाया मैंने भी आपको कि आई जे के बीच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तब उसका मतलब है ये तरह के एलिमेंट्स खुलेंगे। अब वो क्या होंगे, वो तो उसमें आई और जे की वैल्यू रखेंगे तभी आएगा। अब अगर ये है मतलब सिर्फ ये वाले खुलेंगे, अब ये है मतलब ये वाले और ये वाले खुलेंगे, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हमेशा टोटल पहले बिना कंसीडर के निकाल लो और उसके बाद स्प्लिटिंग करके देख लो। जब आई जे से छोटा है, जे से बड़ा है, बराबर है, तो क्या क्या आपको दिख रहा है उससे आप प्रॉब्लम को थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्लियर है? यस। चलो बता दे। यस सर। ठीक, सर ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हाँ जी। ओके सर। नाउ अपन ऐसे सिग्मा में बाइनोमियल्स की सीरीज वाले क्वेश्चंस करते हैं जिसमें खासकर प्रॉब्लम फेस होती है। तो वो मेन प्रॉब्लम इसीलिए फेस होती है वहां, बिकॉज सिग्मा डबल का मतलब ही नहीं पता होता हमें, तो वो मैंने इस छोटे एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अपन एक प्रॉब्लम लेते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं इसमें, है ना। सपोज क्वेश्चन इज गिवन एज, वो बोलेगा सिग्मा डबल सिग्मा आई कॉमा जे इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू एन एन सी आई एन सी जे, ये बता दो। तो अब अगेन आप पूरा पहले अच्छे से प्रॉब्लम को समझें, एक आध प्रॉब्लम अच्छे से समझ जाएंगे फिर चीजों को डील करना आसान होगा। पहले तो आप ये समझें कि अगेन अगर मैं आपको उस चार्ट से दिखाऊं आई और जे से, तो जे भी जीरो से लेके वन से लेके टू से लेके, मतलब मैं थोड़ा खुला खुला दिखा देता हूं, जीरो वन एन तक जाएगा और आई भी जीरो वन टू एन तक जाएगा। तो अगर जीरो रखूंगा तो पहला एलिमेंट आएगा एनसी जीरो एनसी जीरो, आई भी जीरो रख दो जे भी जीरो रख दो, कंस्ट्रेंट तो कोई है ही नहीं। अब आई की जगह जीरो रख दिया, जे की जगह वन रख दिया, तो एनसी जीरो एनसी वन, आई की जगह जीरो जे की जगह जीरो टू एनसी जीरो एनसी टू, आई की जगह जीरो जे की जगह एन एनसी जीरो एनसी एन, ये एक सीरीज आएगी ऐसी एनसी वन एनसी जीरो एनसी वन एनसी वन एनसी वन एनसी टू एनसी वन एनसी एन, फिर एनसी टू एनसी जीरो एनसी टू एनसी वन NC2 NC2 लास्ट में NC2 NCN, और इसमें NCN NC0 NCN NC1 और लास्ट में NCN NCN। क्या ये सारे टर्म्स खुलेंगे I और J के, जितने भी आप सेट भर दोगे इसके अंदर, बिकॉज देर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन I एंड J। समझ में आ रहे हो? Yes. तो अब आपसे बेसिकली मुन्ना पूछा गया है कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, ये पूरी सीरीज का सम पूछा है। Yes, अब दिमाग लड़ाना करना क्या है, अब आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन में पूछा क्या है, अब तक तो ये नहीं समझ में आता इसको देख के साला पूछा क्या है। नाउ अब आप सोचो कि अगर मैं इस पूरे में से NC नॉट कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, NC नॉट प्लस NC1 से लेके NCN तक बचेगा, NCN तक सब। तो yes, इसको तो 2 की पावर n बोल सकते हो, तो ये NC नॉट इनटू 2 की पावर n बचेगा। यस सर। ऐसे इस पूरे में से NC1 बाहर ले लो तो अंदर वही पूरी सीरीज बचेगी, तो इंटू टू की पावर एन बचेगा।
ऐसे इसमें से एनसी टू बाहर ले लो तो इनके टू की पावर एन बचेगा, लास्ट वाले टर्म में से एनसी एन बाहर ले लो तो टू की पावर एन बचेगा। अब आपस में इनको जोड़ोगे तो अगेन पूरे में से टू की पावर एन कॉमन आएगा, अंदर एनसी नॉट प्लस एनसी वन से लेके एनसी एन तक आएगा, अगेन ये टू की पावर एन इंटू टू की पावर एन इज इक्वल टू टू की पावर टू एन आ जाएगा। यस सर, सही है। यस, अब इसी क्वेश्चन को करने का आपको मैं मेथड टू बता दूं। ये तो मैंने प्रॉब्लम को समझाना था इसलिए आपको पूरा खोल के बताया। अब अगर अगली बार से प्रॉब्लम आएगा तो आप कैसे डीलिंग करेंगे? आप इसको ऐसे कर सकते हो कि यार आई भी जीरो से एन है, जे भी जीरो से एन है, कोई आपस में लफड़ा तो है नहीं, तो एनसी आई एनसी जे, तो जब अंदर जे का चल रहा है तो आई तो कॉन्स्टेंट है ना उसके लिए, भाई इस सिग्मा के अंदर वेरिएबल कौन है? जे, तो आई एनसी आई तो इसके लिए कॉन्स्टेंट का काम करेगा। इसको मैं उठा के बाहर निकाल लूं, बाहर मतलब दूसरे सिग्मा से बाहर, पहले से बाहर नहीं आ सकता, तो ये बच गया एनसीआई आई बराबर जीरो से एन, और ये बच गया एनसी जे जे बराबर जीरो से। अब नाउ ये अलग सीरीज है अपनी, एनसी जीरो प्लस एनसी वन से लेके एनसी एन, जो हो गई टू की पावर एन के बराबर, तो आंसर आ गया एनसीआई इंटू टू की पावर एन आई बराबर जीरो से एन। अब ये कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो तो टू की पावर एन बाहर आ गया, फिर एनसी जीरो प्लस एनसी वन, समझ गए? तो सीधा आ गया 2 की पावर n into 2 की पावर n, that is 2 की पावर 2n। Yes sir। हाँ जी, पूछ लो किसी को कोई परेशानी है तो। पुराना चार्ट मैंने मैट्रिक्स चार्ट ही इसीलिए बताया था ताकि आप समझ पाए कि i और j का लफड़ा क्या है, कि i 0 हो सकता है j 0 हो सकता है, i 0 है तो j 1 हो सकता है, i 0 है तो j 2 हो सकता है, i 0 है तो j 3 हो सकता है, i 0 है तो j n हो सकता है। सिमिलरली j i 1 है तो j 0 हो सकता है, j 1 हो सकता है, j n हो सकता है, i 2 है तो j 0 हो सकता है, j 1 हो सकता है, इतने टर्म्स खुलेंगे। अब इसको चाहे तो आप ऐसे मैनिपुलेट करो, या ऐसे अगर एक बार समझ गए तो डायरेक्ट अगली बार से, बिकॉज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, दैट्स व्हाई ये इसके लिए कांस्टेंट की तरह काम करे। इसको बाहर निकाल लिया, इसको अलग से कर लिया, इसको अलग से कर लिया, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। सही है? यस सर। अब अगर मैं इसी में आपसे सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछ लूं कि नाउ टेल मी सिग्मा सिग्मा एनसीआई एनसीजे एंड आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बट लेस देन जे एंड जे इज लेस देन एन, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो आपसे पूछ रहा है वो सिर्फ ये वाले टर्म्स पूछ रहा है? फिर ये डायगोनल छोड़ दो। यस सर। इसके ऊपर ऊपर के पूछ रहे हैं ये वाले, जब आई लेस देन जे है। हाँ जी। yes. अब ये बताओ yes, कैसे करोगे? मैं ही बता देता हूं, तुम तो बस एक बार देखो। अब आप सोचो, अगेन मैंने बताया था, सर ने बताया था कि सर जैसे ही ये चीज आ जाए ना, आप क्या सोचो, पहले बिना कंस्ट्रेंट के सोचो, उसको तीन पार्ट में तोड़ लो। तो अगेन मेरे दिमाग में वही पिक्चर चल रही है, तो मैं बोलूंगा स्टार्ट फ्रॉम देयर कि सिग्मा सिग्मा आई कोमा जे विदाउट रेस्ट्रिक्शन इज गोइंग फ्रॉम जे टू एन एनसीआई एनसी जे। ये क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है सिग्मा सिग्मा आई जे से छोटा हो या बराबर हो, और या आई जे के बड़ा हो। यही बात है? यस यस सर। जे इज छोटा फ्रॉम आई एंड एन तक, एनसीआई एनसी जे एनसीआई एनसी जे, है ना? ये थोड़ा सा बेड़ा बेड़ा हो गया, अब समझ लेना, इसको छोड़ो। पॉइंट इज दैट मैंने क्या बोला था कि आप चेक करो कि क्या इन दोनों का आपस में बराबर है क्या। अब ध्यान दो, अगर मैं I की वैल्यू लेता हूं जीरो और J की वैल्यू लेता हूं वन, तो वो वाला एलिमेंट इसके अंदर है NC जीरो इंटू NC वन। यस सर। और बेटा अगर मैं यहां देखूं यहां, तो यहां NC वन और NC जीरो वाला एलिमेंट होगा जब yes, I बड़ा sir. है J छोटा है। बोलो। यस सर। यस सर। अगर यहां एनसी एन माइनस वन एनसी एन है, तो यहां एनसी एन इंटू एनसी एन माइनस वन होगा। तो आप देख सकते हो जो कोफिशियंट इसमें यहां है वो यहां है, जो इसमें यहां है वो यहां है। अल्टीमेटली ऊपर वालों का सम और नीचे वालों का सम बराबर आएगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो बस पॉइंट क्या था, यहां से वापस शुरू होंगे हम। ये चीज किसके बराबर थी? ये वाली चीज सिग्मा सिग्मा एनसीआई एनसीजे
आई जे इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू एन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू सिग्मा सिग्मा जीरो से बड़ा आई से बड़ा जे से बड़ा एन एनसीआई एनसीजे प्लस सिग्मा सिग्मा एनसीआई एनसीजे जे बड़ा है आई से आई बड़ा है जे से जीरो से एन और प्लस सिग्मा सिग्मा एनसीआई एनसीआई क्योंकि आई बराबर जे है। सही है? यस सर। अभी के लिए चलो जे ही लिख लो इसको। नाउ अगर मैं इस चीज को फाइंड आउट करना चाहता हूं और मुझे पता चल गया है कि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये x है तो ये x है तो सीधा मैं ले सकता हूं 2x बराबर सिग्मा सिग्मा एनसीआई एनसीजे आई कोमा जे इज गोइंग फ्रॉम 0 टू n माइनस सिग्मा सिग्मा इन दोनों की जगह सेम रख दोगे तो एनसीआई इंटू एनसीआई आई बराबर जे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एनसीआई का होल स्क्वायर आई बराबर जीरो से एन। हाँ जी यस सर। ये वाला पार्ट क्या आपने बेटा फर्स्ट पार्ट में आंसर निकाला इसका टू की पावर टू एन आंसर आया था? यस सर। और ये वाली सीरीज में आपको याद कराऊं आपने अलग से सॉल्व करी थी एनसी नॉट का स्क्वायर प्लस एनसी वन का स्क्वायर प्लस एनसी टू का स्क्वायर से लेके एनसी एन का स्क्वायर कैसे करी थी याद हो? 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन और x प्लस 1 की पावर n के एक्सपेंशन को गुणा करके आपस में हमने कहा था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकाल दो। या आप अगर भूल भी जाओ तो टाइप 3 आपको याद रहेगा जनरल टर्म लिखोगे तो ncr ncn माइनस r दोनों के कोफिशिएंट लोअर का सम फिक्स है इसका r है तो इसका n माइनस r है तो काट के कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n चाहिए इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n तो इसका आंसर याद होना चाहिए आपको 2ncn था। यस बस तो दिस माइनस दिस अपॉन टू ये किसका आंसर आ गया x का आंसर इसका। अब दोबारा मैं पूछ रहा हूं कोई भी इवन एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा है जिसको कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो वो दोबारा पूछ सकते हैं। एक बार और सुन ले। सबसे पहले हमने क्या बताया कि जब ये इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ी था इस क्वेश्चन ये तो सेकंड पार्ट का था ना अभी ये फर्स्ट पार्ट था एक्स इसका आंसर है ये एक्स है ना ठीक। नाउ अगेन कि सबसे पहले हमने कहा आई और जे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मतलब आई इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम जीरो टू एंड जे इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम जीरो टू तो आप इसको कॉन्स्टेंट मान के बाहर निकाल लो एनसी जीरो एनसी वन एनसी टू एनसी एन तक सारे टर्म्स आ गए मतलब टू की पावर एन आ गया। अब टू की पावर एन बाहर वाले सिग्मा से बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है उसके लिए तो अंदर बचेगा एनसी आई का सिग्मा आई जीरो से एन तो अगेन एनसी जीरो एनसी वन एनसी टू एनसी थ्री एनसी एन सभी बायनोमियल कोएफिशिएंट मतलब टू की पावर एन इंटू टू की पावर एन टू की पावर फोर एन टू की पावर टू एन आंसर आ गया। नाउ वो गेम कैसे खेलेगा आपके साथ वो बोलेगा आई लेस देन जे चाहिए तो मैंने क्या बोला था आपको इसको कैसे इस प्रॉब्लम को कैसे तोड़ रहा आई लेस देन जे आई ग्रेटर देन जे आई बराबर जे और हमने ऑब्जर्व कर लिया ये दोनों बराबर है दोनों बराबर है तो दोनों को टू एक्स मान लिया तो ये भी एक्स हो गया। इस सीरीज को हमने अलग से सॉल्व करा हुआ एनसी जीरो का स्क्वायर प्लस एनसी वन का स्क्वायर प्लस एनसी टू का स्क्वायर टाइप थ्री में वो रिजल्ट याद होना चाहिए नहीं याद तो तुरंत निकाल लो टू एनसीएन तो इसमें से अगर ये घटा दोगे तो क्या वो टू एक्स के बराबर आ जाएगा और एक्स को डिवाइड कर दोगे दो से तो एक्स का आंसर आ गया इसका। अब वो चाहे इसका आंसर पूछे आई लेस देन जे का या जे लेस देन आई का यही आंसर आएगा। बोलो यस सर। हाँ अब अगर तुम बहुत समझदार हो चुके हो तो क्या मैं आपसे इस थर्ड पार्ट का आंसर पूछ लूं कि सर जीरो से शुरू होके आई बराबर और छोटा हो सकता है? देखो इसमें स्ट्रिक्ट छोटा था इसमें बराबर हो सकता है एन तक एनसीआई प्लस का साइन आ जाएगा बस बीच में तो इसका आंसर आप ऐसे रटो मत लॉजिक से बताओ क्या इसका आंसर दिस वाला आंसर प्लस आई बराबर जे वाला आंसर होगा? यस सर। भाई एनसीआई एनसी जे में आई जे से छोटा हो प्लस एनसीआई एनसी जे में आई जे के बराबर हो क्या ये दो केस को मिला दो तो आंसर आ जाएगा? यस सर। यस सर। ये तो पार्ट टू में निकाला है अभी टू की पावर टू एन माइनस टू एन सी एन बाई टू और ये हमने अलग से ये बताया टू एन सी एन
तो ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2n + 2kn Cn/2। हाँ जी, क्या सारी बातें खोपड़ी में उतर चुकी हैं? यस सर। देखो यही है थोड़ा, इसीलिए थोड़ा सा स्केरी लगता था, मैंने बताया था ना बच्चों डर लगता है देखते यार किसी को मैं क्या करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखो मेंस वेंस के लिए तो बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इसको करने की, पहली बात है ना। आईआईटी में भी ऐसा नहीं है कि इसी बेचारा सारे क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत मतलब ज्यादा चांसेस नहीं होते इससे क्वेश्चन आने के, बट हाँ आईआईटी एडवांस में आया हुआ है तो इसलिए अपन चलो करते हैं इसको, ठीक है। तो उसके बाद करना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया कि लेस देन जीरो, इक्वल लेस देन जीरो, बिना रिस्ट्रिक्शन के, उसका मतलब क्या है कि टर्म्स कैसे कैसे खुलेंगे वो आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। नाउ आफ्टर दैट उस सीरीज को कैसे क्रैक करना है उस पर बात होती है। तो इन जनरली फंडा ऐसे कर सकते हो आप, इसको स्प्लिट कर लो तो आपकी चीजें हो जाएगी। और उसके बीच में जो पुराने रिजल्ट हैं जैसे ये, और जैसे ये खुला तोड़ रहा था 2 की पावर n, इस तरह की चीजें तो देखो आनी ही चाहिए। क्लियर है? यस सर। यस डाले इसे। यस यस सर। चलो मान लो क्वेश्चन आ गया एनसीआई एनसीजे है ना, जस्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं एक क्वेश्चन। आई लिखा है, जे लिखा है और डबल सिग्मा है, और लिखा है आई इज लेस देन जे इज लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस वन टू जीरो, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो अगेन बेसिक को कभी नहीं भूलते हैं, जो बेसिक फंडे होते हैं आप उनको कभी नहीं छोड़ोगे। आपको दिख रहा है कि सर ने एक चीज बताई थी कि ये देखो यहां वाला आई और यहां वाला आई सेम कर दे तो अपन झट से प्रॉपर्टी लगा देंगे, ऊपर से कुदा देंगे, हड्डियां तोड़वा देंगे, याद है? यस भाई, आई टू एन सी आई के लिए एन इंटू एन माइनस वन सी आई माइनस वन करते हैं ना अपन तुरंत। यस सर। बस वही काम करना है। क्या करोगे, आई और एल में प्रॉपर्टी लगाओगे तो एन आगे आएगा, बन जाएगा एन माइनस वन सी आई माइनस वन, इंटू जे वाले में भी एन आगे आ जाएगा एन माइनस वन सी जे माइनस वन। अभी मैंने कुछ नहीं करा, जस्ट प्रॉपर्टी लगाई, अंदर वो तो लगा ही सकता हूं, डबल सिग्मा अभी बाहर ही बैठा है, आई जे से छोटा है और जीरो से एन माइनस वन तक जा रहा है, ठीक है जी। ओके नाउ एन इंटू एन, ये तो कॉन्स्टेंट आ गया, एन स्क्वायर इसको तो उठा के बाहर फेंक दो, एन स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर डबल सिग्मा और एन माइनस वन सी आई माइनस वन, एन माइनस वन सी जे माइनस वन, आई इज लेस देन जे एन माइनस वन टू जीरो। नाउ अगेन लेस देन वाला क्वेश्चन है तो बिना कंस्ट्रेंट से शुरू कर देंगे अपन वहां से कहानी। तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, कंसीडर सिग्मा सिग्मा, आई और जे जब दोनों को कोई फर्क ना पड़ता हो, जीरो से लेके एन माइनस वन तक, ये आ गया एन माइनस वन सी आई माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी जे माइनस वन। तो जब जे का चल रहा है तो आई का कोई रोल नहीं है, इसको बाहर निकाल लो, तो आई अलग से एन माइनस वन सी आई माइनस वन, सिग्मा एन माइनस वन सी जे माइनस वन। जे कहां से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है, जीरो पे तो टर्म डिफाइंड ही नहीं होगी, जे जीरो रखोगे तो पहला टर्म जीरो आएगा ना, तो जीरो पे तो टर्म आएगी नहीं, इसीलिए यहां पे ये डिफाइन नहीं होगा। तो जे वन से शुरू होगा, वन से, वन से लेके कहां तक जा रहा है, एन माइनस वन से, और यहां पे भी आई कहां से जा रहा है, वन से लेके एन माइनस वन तक, ठीक। तो देखो अगर आई वन रखोगे तो एन माइनस वन सी जीरो, दो रखोगे एन माइनस वन सी वन, और लास्ट में आई एन माइनस वन रखोगे तो एन माइनस वन सी एन। ऐसा करो ना, इस जे को एन तक कर दो, एन तक, एन तक करने से फायदा क्या होगा, ये वाले सारे टर्म आ जाएंगे 2 की पावर n-1 आ जाएगा ये, और इंटू ये भी 2 की पावर n-1 आ जाएगा, बोलो भाई ये आएगा आंसर इसका बिना रेस्ट्रिक्शन के, ठीक है। एन तक कर दिया मैंने इसको, है ना, तो बिना रेस्ट्रिक्शन के चल रहा है तो ये 2 की पावर n-2 आ गया। नाउ अब आपको पता है कि इसको करना है तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको इस चीज को अपन क्या लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू सिग्मा सिग्मा व्हेन आई बराबर जे प्लस सिग्मा सिग्मा व्हेन आई लेस देन जे
एंड सिग्मा सिग्मा वेन आई इज ग्रेटर देन जे, तो आई की जगह शुरुआत करोगे जब, है ना, वन से शुरुआत करोगे, कहा गया हाँ यहां वन से शुरुआत करोगे, वन से शुरुआत करोगे तो आएगा एन माइनस वन सी जीरो, एन माइनस वन सी जीरो, फिर एन माइनस वन सी जीरो, एन माइनस वन सी वन से लेके एन माइनस वन सी जीरो, एन माइनस वन सी एन, और इधर जाएगा नीचे तो एन माइनस वन सी एन, एन माइनस वन सी जीरो, तो देखो सेम ये वाले टर्म और ये वाले टर्म सेम मिल जाएंगे ऊपर नीचे, बोलो यस सर, ये एक्स है तो ये भी एक्स बोल दूं, हाँ भाई क्या हो गया, जब कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आपसे पूछा क्या है जब कंस्ट्रेंट है, तो चार बार तो मैं बता चुका हूं आई थिंक कि जब भी कंस्ट्रेंट आए तो बिना कंस्ट्रेंट वाले को तीन पार्ट में तोड़ लें, बताया अभी नहीं बताया कि अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आए एनसीआई एनसीजे, जब आई और जे पे कोई लफड़ा ना हो और जीरो से एन तक जा सकते हो, वन से एन तक जा रहा है इसमें, तो आप हमेशा ये आई माइनस वन था ये जे माइनस वन था, तो आप इसको हमेशा क्या करें तीन पार्ट में तोड़ने, डबल सिग्मा व्हेन आई लेस देन जे प्लस डबल सिग्मा व्हेन जे लेस देन आई इज ग्रेटर देन जे, डबल सिग्मा व्हेन आई इज बराबर जे, ये बात कही थी नहीं कही थी अभी, और ये वाले कोफिशिएंट्स और ये वाले कोफिशिएंट इन दोनों का सेम ही आंसर आ रहा है, आप वैल्यू रख के देख लो, भी मैंने बताया था वहां पर रख के वैल्यू देखोगे तो ये एक्स और एक्स हो गए, और ये क्या बचा, ये बचा एन माइनस वन सी आई माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये सीरीज क्या आएगी, एन माइनस वन सी जीरो का स्क्वायर प्लस एन माइनस वन सी वन का स्क्वायर, एन माइनस वन सी टू का स्क्वायर से लेके लास्ट में एन माइनस वन सी एन का स्क्वायर एन माइनस वन, तो क्या इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा अगर इसकी जनरल टर्म लिखोगे आप, एन माइनस वन सी जीरो इंटू एन माइनस वन सी जीरो, इसको आप लिख दोगे एन माइनस वन, तो अगर मैं दोनों को क्या बोलते हैं, हाँ ये अगर एन माइनस वन सी आर है आर, तो दूसरा है एन माइनस वन माइनस आर, और इनके लोअर सबस्क्रिप्ट का सम है फिक्स एन माइनस वन, तो टाइप थ्री के अकॉर्डिंग क्या ये सीरीज का आंसर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन इन एक्सपांशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर वन प्लस एक्स की पावर टू एन माइनस वन नहीं होगा, तो क्या इसका आंसर टू एन माइनस वन सी एन माइनस वन नहीं होगा, यस सर, भाई ये वाली सीरीज बताइए ना करनी, भाई दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट जब प्रोडक्ट में आते हैं तो आपने जनरल टर्म लिखी, अब देखो आर जीरो से लेके एन तक जा रहा है, अब अगर आपने एक को कन्वर्ट करा तो देखा लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है, सारे टर्म मौजूद है, तो वन प्लस एक्स की पावर इसमें दोनों के सम के एक्सपेंशन में इसका कोफिशिएंट चाहिए, तो टू एन माइनस वन टू एन माइनस टू सॉरी टू एन माइनस टू सी एन माइनस वन चाहिए, हाँ जी क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ये वाली सीरीज कैसे निकालते हैं टाइप थ्री में, तो मैं दोबारा बता दूं, अगर आ गया तो ये आंसर आएगा, नो सर आ गई, हाँ तो ये टू यस सर आ गई, टू एन माइनस टू सी एन माइनस वन आंसर आएगा ना, यस सर, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, अब यहां पे मैंने इसकी जगह इसका आंसर लिख दिया टू एन माइनस टू सी एन माइनस वन, तो जो एक्स पूछा था आपसे अब ये किसके बराबर है, ये अभी हमने निकाला वहां टू की पावर टू एन माइनस टू, तो आंसर कितना आ गया x बराबर 2 की पावर 2 एन माइनस टू माइनस टू एन माइनस टू सी एन माइनस वन अपॉन टू, क्या ये आंसर आ गया, यस सर, बस
ठीक है? यस सर। और चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बस, है ना? और बहुत ज्यादा इस पे नीड है नहीं, तो फिर भी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको सारे टाइप के जो इसमें है, कि आई जैसे छोटा है 0 से n तक, जीरो तक, आई प्लस जे एनसीआई इंटू एनसीजे, ये पूछा आपसे क्या होगा? तो देखो अब इसमें मैं ये प्लस है तो इसकी दुकानें अलग अलग कर सकता हूं, ताकि आई इंटू एनसी आई इंटू एनसी जे प्लस जे इंटू एनसी आई इंटू एनसी जे, ऐसे संभाल सकता हूं इसको डबल सिग्मा को। हाँ जी अगेन, यहां प्रॉपर्टी लगाओगे n आगे आएगा तो n c n माइनस वन सी आई माइनस वन एन सी जे, एन को बाहर निकाल लिया, सिग्मा सिग्मा i इज लेस देन j इज n। अब देखो ये i वन से शुरू होगा, बोलो डिफाइन नहीं होगा ना ये, ठीक? प्लस एन बाहर आ गया इधर भी, सिग्मा सिग्मा एन सी आई इंटू एन माइनस वन सी जे माइनस वन, आई लेस देन जे एन जे वन से नहीं, अब आई जीरो से हो सकता, क्योंकि जे उससे बड़ा है तो जे वन से शुरू हो गया तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है यार। अब देखो अगेन, अब इस तरह के क्वेश्चन में पहले तो बिना रेस्ट्रिक्शन का करोगे, फिर उसमें आई बराबर जे आई लेस देन जे आई ग्रेटर देन जे वाला वो सब देखोगे, फिर अलग से निकालोगे, ऐसे इसका अलग से निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंथी जरूर है, इसको अलग से करोगे इसको अलग से करोगे और फाइनली दोनों का जोड़ दोगे, सेम पिछले क्वेश्चन की टाइप की तरह ही तो हो गया। अभी बोलो तो उससे हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना? आप खुद से ट्राई करके देख लेना, हो जाएगा। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता देता हूं, है ना? एक और मेथड से क्वेश्चन किया जा सकता है, मेथड टू, आई की जगह आप एन माइनस आई रख दो, जे की जगह एन माइनस जे रख दो, तो क्या बन जाएगा? सिग्मा सिग्मा आई लेस देन जे से लेके एन तक, ये जीरो तक, एन माइनस ए एन माइनस ए मतलब टू एन माइनस आई प्लस जे, और इंटू एन सी एन माइनस आई एन सी एन माइनस जे। अब आपको पता है एनसीएन माइनस आर और एनसीएन माइनस आर तो सेम ही होते हैं, मतलब एनसीएन माइनस आर तो एनसीआर के बराबर ही होता है, तो इसको आप वापस लिख सकते हो एनसीआई एनसीजे, और इसकी दुकानें अलग अलग कर सकते हो, टू एन डबल सिग्मा आई लेस देन जे जीरो से एन, और बीच में आप लिख सकते हो आई प्लस जे एनसीएन एनसीआई एनसीजे डबल सिग्मा आई लेस देन जे। अगर ये चीज x थी, x जो अब s थी s, तो s बराबर ऐसे लिख सकते हो, बोलो। हाँ जी yes, sir. और क्या आपको दिख रहा है ये भी s है, सेम ही तो ये, तो माइनस yes. s आ गया, इसको उठा के इधर ले आओगे, 2s बराबर 2n बाहर आ गया, सिग्मा सिग्मा एनसीआई एनसीजे i इज लेस देन j से n, दो से दो कट गया इसका, तो अभी स्टैंडर्ड पहला क्वेश्चन जो हमने करा था यही था, i लेस देन j, इसको सॉल्व करा था इसका आंसर क्या आया था, 2 की पावर 2n माइनस 2n cn बाय 2 आया था इसका आंसर। Yes, और इनटू में एन, बस ये आपका आंसर। तो पुराने रिजल्ट्स की मदद से, मतलब ये अलग से क्वेश्चन हमने ध्यान था हमें,
उसकी मदद से हमने तुरंत इसको कर दिया प्रॉपर्टी लगा। ठीक है जी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डबल सिग्मा। तो आप इसको देख लें, तो ये बस दो तीन प्रॉब्लम जो मैंने करवाए ये देख लें तो सफिशियंट है ना, ज्यादा इसकी नीड भी नहीं है। ठीक।